उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के एक शख्स ने पारिवारिक विवाद में अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला थाना क्षेत्र के बघौना गांव का है। दरअसल सत्येंद्र पाल दिल्ली में टेम्पो चालक था। वो लॉकडाउन के दौरान घर पर आ गया था। उसका आए दिन पत्नी रिंकी से विवाद होता रहता था। बीते 15 दिन पूर्व भी सत्येंद्र ने अपनी पत्नी रिंकी के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों में बैठकर समझौता हो गया था। लेकिन सत्येंद्र के गुस्से की आग ठंडी नहीं हुई। बीती रात सत्येंद्र शराब के नशे में आया और पत्नी रिंकी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद सत्येंद्र ने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय सत्येंद्र के दो बेटे 4 वर्षीय अनमोल और 8 वर्षीय आयुष अपने बाबा यदुवीर और दादी नीता के साथ बरामदे में सो रहे थे। घटना की जानकारी होने पर घर में कोहराम मच गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सीओ और थाना अध्यक्ष पूनम जादौन आदि फोर्स मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। अभी तक पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पता है शाम को तो सब सही सलामत रोटी खाई पी तो कैसे क्या कुछ कोई चर्चा ना थी सामने। कोई विवाद वगैरह हुआ कुछ नहीं हुआ आपस में? कुछ तो कोई ऐसी बात हुई होगी। अब आपस में जब आप बेहतर दोनों आदमी भी हो तो एक तो बताओ तो कुछ ऐसी क्या स्थिति आई जो मान लो दोनों लोगों ने ऐसा प्रयास किया? अब ऐसे हम क्या बता रहे भाई, कोई कोई कुछ नहीं हो। किससे हत्या की है? किससे गोली मारी है? हमें क्या मालूम, हम तो सोए रहे थे ना, हम तो सुबह जानी जब जैसे भैंस को उठा चार सानी लगा उनके लिए। हाँ और नाती मेरे तीन पर होते जगाओ मतलब बरो पंजाब की मोबाइल लेके हमारे परे। नाम है आपका? दीप सिंह। जो हत्या हुई है आपकी कौन है ये? भतीजी। कैसे हुई है? हमारी है। कैसे हुई? किसने गोली मारी है? हम तो गोली देखी नहीं, चाकू आपको तो दिखाई दे रही, गोली भी लगी हुई हम देखी नहीं। तो कोई विवाद वगैरह हुआ था दोनों लोगों में? अब पता नहीं आपस में क्या विवाद है क्या नहीं। आपको सूचना किसने दी? सवेरे फोन हुआ तुम्हारे पास। किसने फोन किया था? इधर गोंडा में एक विवाहिता महिला की दिन दहाड़े घर में निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। महिला की हत्या की खबर से पूरे शहर में हड़कंप है। इस सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की गई। मृतका के शव को पंचनामा कराने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हत्या का आरोप मृतका के पति प्रशांत दुबे पर है और पुलिस उसे हिरासत में लेकर मामले की छानबीन में जुटी है। हत्या हो गई है शहर के अंदर ही, तो क्या था प्रकरण, किस पर प्रथम दृष्टया संदेह है और किस तरह की जांच की जा रही है अभी? देखिए थाना कोतवाली क्षेत्र में झलरी ब्लॉक तिराहे के पास एक विवाहिता की हत्या का मामला है। धारदार हथियार से हत्या की गई है। इसमें जो मृतका है उनके परिवारजन आ गए हैं। इनका कहना है कि इनके परिवारजन द्वारा मतलब पति एवं परिवार पे अभी प्रथम दृष्टि आरोप लगा रहे हैं। अभी लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि पूर्व से भी कई बार इनके द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था और आज इनके परिवारजनों द्वारा हत्या कर दी गई है। पति को पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा ले जाया गया है। डिटेल पूछताछ जारी है। कमरे की तलाशी लेने पर वहाँ से आला कतल जो है वो भी बरामद कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई। सर आला कतल में जैसे क्या था, किस चीज़ से हत्या की? धारदार हथियार, जैसा मैंने बताया धारदार हथियार बरामद हुआ। वहीं बहराइच जिले में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अपराधी किसी भी जघन्य अपराध को अंजाम देने से पहले नहीं सोचते और निर्मम हत्या कर देते हैं। ताजा मामला बहराइच के खैरी घाट थाना क्षेत्र का है, जहां वैध संबंधों के शक में एक युवक की फावड़े से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। युवक की हत्या 4 लोगों ने मिलकर की। युवक के पिता की तहरीर पर 4 लोगों पर नामजद FIR दर्ज की गई। बीती रात थाना हरी घाट के ग्राम गौड़ी पाठक पुरवा में ओम प्रकाश पुत्र काशीराम निषाद उम्र लगभग 42 वर्ष की गांव के ही 4 लोगों ने फावड़े से अवैध संबंधों के शक में हत्या कर दी गई है। मृतक के पिता काशीराम की तहरीर पर इसमें हत्या का अभियोग दर्ज कर लिया गया है और पोस्टमार्टम पंचनामा कार्रवाई प्रचलित है और जो 4 नाम जब अभियुक्त हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। आज गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है।
फिलहाल पुलिस जांच टीमें बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। फरुखाबाद से दिलीप कटियार, गोंडा से ओमचंद शर्मा और बहराइच से मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट।